झुककर सलाम करें कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू मेरे इस वतन के काम आता है, इस वतन के काम आता है। क्योंकि बहुत सारे नेता इस देश में, आज इलेक्शन का टाइम चला हुआ है, उन सभी नेताओं को ध्यान में रख के मुझे सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस टाइम में याद आती है कि आपके पास बहुत सारे नेता आएंगे, आपके चरणों को स्पर्श करेंगे, लेकिन वोट देना तो ध्यान से वोट देना। आइएगा, कैसे सैक्रिफाइस हुए थे कि यहाँ चंद्र शेखर का और हंस के गोली खाना और लंदन में पहुंच गया वो ऊधम सिंह मर्दाना। किसी नेता को बोला कि कोई मुद्दा लेके चलेंगे और सबसे आगे आपको कर दिया जाएगा, अगर गोली खाने की बारी आई तो आपको आगे कर देंगे, गारंटी है नेता आपके पास दूर तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन कि भगत सिंह ने हंस हंस कर यहां फांसी खाई है और कुर्बानी वीरों की और मेरे हिंदुस्तान में ओ क्या रंग लाई है। आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी श्रोताओं, यह चंद्र शेखर का हंस कर गोली खाना लंदन में पहुंच गया उधम सिंह मर्दाना। अरे भगत सिंह ने हंस हंस कर यह फांसी खाई है कुर्बानी वीरों की मेरे हिंदुस्तान में क्या रंग लाई है। यह चंद्र शेखर का हंस कर गोली खाना लंदन में पहुंच गया उधम सिंह मर्दाना। एक बेटे की शहादत मांगी जाती है तो हजारों बेटे कुर्बान हो जाते हैं। सुनिएगा पहली लाइन के द्वारा क्या बता दिया। होनी चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान होने के बाद हमारी प्रायोरिटी बनती है
कि कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि बंदा बोल क्या रहा है। भगत सिंह ने इसलिए फांसी नहीं खाई थी कि उसको नोटों के जबे चाहिए। भगत सिंह को अगर देनी है तो दिल में जगह दीजिए। जब कुछ लड़कियां अभद्र नृत्य करेंगी तो उनके ऊपर भी पैसे उड़ाए जाएंगे, और जब पैसा उड़ेगा तो पैरों के नीचे भी आएगा। भगत सिंह ने इसलिए अपनी जान नहीं दी थी। श्रोताओं, भगत सिंह को देनी है तो दिल में जगह दे दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं, कि सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। अरे भगत सिंह के वंशज हैं और जहन में आंधी रखते हैं। अरे चश्मा खादी बंदर ये हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं तो मुझे याद भगत सिंह आते हैं, मुझे याद भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह इस दिल में जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सुनिएगा, एक वाक्य आता है कि भगत सिंह की माँ ने कहा था, बेटा विवाह कर ले। हर बेटे का ख्वाब होता है विवाह करना, मैं भी चाहती हूँ बहू लेके आए। भगत सिंह ने कहा, माँ बहू तो आएगी लेकिन साधारण बहू नहीं आएगी, कैसी बहू आएगी। सुनिएगा दूसरी बात के माध्यम से। कफन की वो, मेरे कफन की वो तो चुनरी ओढ़ आएगी, मेरे कफन की वो तो चुनरी ओढ़ आएगी, मेरे कफन की वो तो चुनरी ओढ़ आएगी। ओ मत घबराना मंगल गाना, मत घबराना मंगल गाना, अरे छाती से लेकर कहना होगी मन चाहिए है कुर्बानी वीरों की। क्यों हुई मालूम है? इसके पीछे हाथ था उन लोगों का
जिनको हमने जेलों में जा जा के बिरयानी खिलाई थी, उन लोगों ने कहा हमने बदला लिया अपने भाइयों की मृत्यु का। लेकिन फिर भी कुछ नेता कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के कल ही एक नेता ने स्टेटमेंट दिया है कि तुम मुझे ताकत दो मैं तुम्हें हथियार दूंगा। आपको पता भी होगा कौन है वो महान शख्सियत। किसी कवि ने लिखा, अरे कुछ नेता हुर्रियत के दर बिरयानी खाने चले गए, सवा अरब की संसद में वो नाक कटाने चले गए, अरे इससे तो अच्छा होता कि वो वापस लौट के ना आते और चुल्लू भर पानी लेते और वहीं डूबकर मर जाते। हिंदुस्तान का खाते तो हैं पर गुण वहीं के गाते हैं। अंतिम लाइनों में सुनिएगा कवि ने क्या बता दिया। शहादत का कर्ज उनको याद नहीं आया, शहादत का कर्ज उनको याद नहीं आया, शहादत का कर्ज उनको याद नहीं आया। ओ कुछ तो शर्मा शर्मा जा, कुछ तो शर्मा शर्मा।